हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अनुवांशिकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्लास टेंथ के लिए ये बहुत ही VVI कहा जाता है, VVI इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है टेंथ क्लास के लिए। तो पहले हम लोग समझेंगे अनुवांशिकता के नियम के बारे में। तो अनुवांशिकी गुण और पात्री गुण क्या है, या अनुवांशिकी गुण क्या है? तो माता पिता को पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ गुण अपने संतान में जो प्रवेश करता है, जाता है, उसी को अनुवांशिकी गुण कहते हैं, या क्या बोलेंगे, पैतृक गुण बोलते हैं। फिर अनुवांशिकता ये क्या है, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता जो पीढ़ी दर कुछ न कुछ मूल गुण जो प्रवेश करता है, मूल गुण उसको बोलते हैं क्या, मूल गुण, वो अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के जनक, यहाँ से एक क्वेश्चन ये जरूर बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है। तो अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? तो उनको जन्म 1822 ईस्वी में, मृत्यु उनको 1824 ईस्वी में हुआ। निवासी कहाँ के थे, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। प्रयोग कर प्रकाशित किया गया इनको, जब ये प्रथम पीढ़ी लेकर के साधारण मटर के पौधा लिए थे, साधारण मटर के पौधा, और इससे मटर का पौधा लेकर के एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा, दो तरह के पौधा लिए थे। एक बौना पौधा के जो पुंकेसर भाग होते उसको निकाल करके अलग रख दिए, और एक बौना पौधा है लंबा पौधा में से जो पुंकेसर होता है फूल वाला वर्तिका, उसको निकाल करके बाहर रख दें, और बौना पौधा को उसको वर्तिकार को खाली करके और उसको डाल दें लंबे पौधा में। इससे उनको पता करना था कि क्या प्रभावी रहता है या अप्रभावी रहता है। तो पहले नियम में वो लंबा पौधा लिए थे, फिर उसे छोटा पौधा, ये दोनों को युग्मक करके संकरण करवा करके चेक किए। तो पहला पौधा को पहला सफेद, लंबा पौधा, फिर छोटा पौधा, फिर इसे लंबका को फिर से छोटका के साथ, फिर ये लंबा के साथ ये छोटा के साथ, ये लंबा को ये छोटा के साथ, बड़ा टी और छोटा टी। इस नियम को F1 पीढ़ी का नियम बोले। ये इसमें ये पता नहीं चला सब अप्रभावी रहा, क्योंकि इसमें सब में लंबा लंबा लंबा, क्योंकि इसमें पता ही ना चला कि नाटा जो है कब, बौना पौधा कब इसमें ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। इसमें सब में जो हमेशा होता है क्या कि लंबा पौधा ही आगे बढ़ता है, या बड़ा आदमी ही छोटा आदमी को हमेशा दबा के रखता है, इसलिए इसमें बड़ा पौधा है, हमेशा बड़ा पौधा ही ग्रोथ किया। तो इससे पता पूर्ण रूप से नहीं चला। तो इसको छोड़िए, इसको नियम बोला प्रथम पीढ़ी का नियम। अब अगला पीढ़ी समझते हैं। इसमें लंबा पौधा, छोटा पौधा, ये युग्मक, इसमें बड़ा पौधा रे छोटा पौधा। अब इससे संकरण करवाते हैं, बड़ा पौधा के साथ बड़ा पौधा, छोटा पौधा बड़ा के पौधा के साथ छोटा पौधा, फिर ये बड़ा पौधा, फिर छोटा पौधा, ये छोटा पौधा और छोटा पौधा। यहां से ये पता चला, ये तो बड़ा पौधा था छोटा पौधा, ये पता चला ये शुद्ध लंबा हुआ, शुद्ध लंबा, और ये प्रभावी है। लेकिन इसमें क्या है, लंबे पौधा ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये छोटा पौधा इसमें है और इसमें बड़ा पौधा, तो हमेशा क्या होता है बड़े के पौधा क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब यहाँ से अनुपात जो निकल के आता है, इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात जो निकल के आया, यहीं से जीन अनुपात, जीन प्ररूपी अनुपात, जो 1:2:3, क्योंकि ये लंबा पूर्ण रूप से ये अप्रभावी, ये अप्रभावी, ये अप्रभावी है ना, ये इसमें निकल का है 1:2:3,
और जो लक्षण पर रूप निकल के आया, जो तीन अनुपात, जो लंबा हमेशा इसमें भी, लंबा इसमें भी और लंबा इसमें भी है ना, ये तो दोनों छोटा है, ये तीन अनुपात और एक ये नाटा हमेशा ही कुछ यहां से निकल के ये बौना आगे चल करके निकाल सकता है, इस नियम से पता चला। और इस नियम को ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बोले, प्रथम नियम के साथ ही पृथक्करण का नियम कहलाया है। क्या नियम कहलाया? पृथक्करण का नियम। इसका प्रयोग कर पहली बार प्रकाशित किया गया 1866 ईस्वी में। विज्ञापन जगत ध्यान इस नियम को ध्यान नहीं दिया गया, 34 वर्ष बाद इस नियम को ध्यान दिया गया। इस नियम को वैज्ञानिक मान्यता 1900 ईस्वी में मिला। यह भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वैज्ञानिक मान्यता कब मिला, ग्रेगर जॉन मेंडल जब जो एक छोटा पौधा, साधारण पौधा, मटर के पौधे का प्रयोग किए थे, तो उसमें से वैज्ञानिक जो मान्यता कब मिला इसको, तो वैज्ञानिक मान्यता 1900 ईस्वी में मिला। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है जो जीन प्ररूपी अनुपात, जीनोटाइप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो एक अनुपात दो अनुपात एक होता है, और जो लक्षण प्ररूपी, जो लक्षण जीन प्ररूपी इसे बोलते हैं जिसमें जो हमारा शरीर जो तैयार होता है, बाल नाक कान जो शरीर पूर्ण रूप से क्या होता है, तैयार होता है। और लक्षण प्ररूप कुछ ना कुछ लक्षण मिलते रहते हैं ना, देखते हैं कहते हैं कि उसका डीएन कुछ मिल रहा, बब्बी डीएन मिल रहा, पापा के जैसा मिल रहा, वो लक्षण हुआ। जो लक्षण प्ररूप इसको फिनोटाइप अंग्रेजी में क्या होता है, ये भी आ सकता, ये वाला नहीं रह सकता, लेकिन ये कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि फिनोटाइप का अनुपात तीन अनुपात एक होता है। अब इतना ही क्वेश्चन था, यहाँ से इतना ही आता है क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरे नियम इसके बारे में, मटर के पौधे में दूसरे नियम के। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग 10th क्लास के लिए, कि सिलेबस जो अब टाइम नहीं बचा हम लोग के पास, कैसे तैयारी करना है, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा, नवंबर चल रहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आप लोग फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि दिसंबर 30 दिन और जनवरी उधर नवंबर दिसंबर जो है और जनवरी 30 दिन लेकर के चलिए, तो टोटल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय 60 दिन, और बाकी उधर जो बचेगा कुछ दिन समय जो बचेगा, पूरा इधर 15 दिन लीजिए और 15 दिन जनवरी में लीजिए और 30 दिन पूरा दिसंबर ले लिए, है ना, टोटल 60 दिन मान करके चलिए। इसी के हिसाब से हम लोग अब तैयारी करना है ना, इसी के हिसाब से तैयारी करिए और बाकी क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते रहिए, है ना, और सभी सोल्यूशन जो ईयर बाय ईयर दिया हो उसको सोल्यूशन कर लीजिए, और बाकी सोना बाबू के चक्कर में नहीं रहिए, इसके चक्कर में रहिएगा तो आपको एग्जाम खराब हो सकता है ना। तो आप सोना बाबू मान लीजिए, किसको, भूखी को मान लीजिए 2-3 महीना, और इसी पर फोकस करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर। मुझको कितना बताए कोई, ऐसे तुझसे